नरेंद्रनगर विधानसभा की पट्टी दोगी के लोयल गांव में भीषण गर्मी में ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। दोगी क्षेत्र की 27 ग्राम पंचायतों के पेयजल समस्या को हल करने के लिए लगभग 50 करोड़ की लागत से बनी सूर्यकुंड रानीताल पेयजल पंपिंग योजना मात्र शोपीस बनकर रह गई। ये योजना 10 साल पहले बनकर तैयार हो चुकी थी। अब हर घर नल हर घर जल योजना का कनेक्शन भी सूर्यकुंड रानीताल योजना से जोड़ा गया है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि पानी 7 से 10 दिन के बीच दिया जाता है। ग्रामीणों का आरोप है कि हर घर नल हर घर जल योजना पूरी तरह से फेल साबित हो रही है और पंपिंग योजना शोपीस बन गई। ग्राम सभा लोयल में पानी की आज स्थिति है कि सुबह 4 बजे से लेके लोग यहाँ पे बैठ के सो रहे हैं। मतलब इतनी गंभीर स्थिति हो रखी है और सूर्यकुंड जल योजना का जो पानी है वो 15 दिन में 12 दिन में 14 दिन में एक बार कभी आता है, तो मतलब साल का अगर टारगेट लिया जाए तो वो 1 महीने में एक बार मारा जाएगा। पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, माल मवेशी हम लोग पाल नहीं सकते हैं। अधिकारी खूब नोना घोटाला खूब लोग कुछ नहीं, हम परेशान ना बहुत ज्यादा पानी भी परेशान है। क्या जाऊ हमसे कुछ नहीं जाऊ, 4 बजे पानी घर में बैठा हमने बाल बच्चा बिता जाना हम यहाँ पे 2-2, 3-3 दिन तक जो पानी के जो नंबर लगाना पड़ता है, मुश्किल से 2-2 बटन भरने पड़ रहे हैं। ये हमारे हालात इस प्रकार से हो गए कि सूर्यकुंड रानीताल की योजना जो हमारे लिए के लिए सपना बनी हुई थी वो खत्म हो चुकी है, वो विफल हो चुकी है। जल जीवन मिशन का हमने विरोध भी इसी वजह से किया कि जब सूर्यकुंड रानीताल योजना से हम लोगों को लाभान्वित नहीं मिला, पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा, तो क्या जरूरत है जल जीवन मिशन की लाइन बिछाने से। आज और समस्या उत्पन्न हो रही है कि ये जो रेलवे की सुरंग बनने से जो वाइब्रेशन हो रहा है उसकी वजह से हमारे 3 स्रोत है यहाँ पे, एक ट्यूब पानी के नाम से बिली पानी और मधुरी पानी, तो दोनों स्रोत सूख चुके हैं और एक ही स्रोत पे डिपेंड है जो हम एक दो दिन तक बंद करने के बाद भी 2-2 बटन मिल रहे हैं। यदि समय रहते ही सरकार इस पे अपना ध्यान नहीं करेंगे तो हमें मजबूर होकर के आंदोलन के लिए तैयार होना पड़ेगा। गाँव के पेयजल प्राकृतिक स्रोत बेहद पतले पड़ गए हैं, अब लोयल गाँव एक ही जल स्रोत पर निर्भर है। लोग रात भर पानी के लिए अपनी बारी का इंतजार करते रहते हैं, कभी कभार स्रोत पर मारपीट की नौबत तक आ जाती है। ग्रामीणों का गुस्सा सरकार पर फूट पड़ा है और उन्होंने पेयजल स्रोत पर ही सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। भीषण गर्मी में पानी कितना महत्वपूर्ण होता है जीवन के लिए, ये आप देख रहे हैं और ताजी तस्वीर मैं आपको बता रहा हूँ। ग्राम पंचायत वेल जो पट्टी डोगी में पड़ता है, आप मेरे पीछे आगे सब जगह लोगों की बहुत बड़ी संख्या आप देख रहे होंगे और यहाँ पर जहाँ पर ये खड़े हैं ये यहाँ पर पैतृक स्रोत है, प्राकृतिक स्रोत है, लेकिन बहुत पतला ये पड़ चुका है। और जो रानीताल पेयजल पंपिंग योजना जो यहाँ जिससे कनेक्शन यहाँ जोड़ा गया है वो उस पर पानी इनका कहना है कि हफ्ते में कभी 2-3 घंटे आ जाता है। और इनका कहना है कि सरकार जो केवल गर्मियों में जो पानी पूरा नहीं कर सकती उस सरकार से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। और इनका कहना है कि हम अगर सरकार तुरंत पानी की व्यवस्था यहाँ नहीं करती, जल जीवन मिशन जो पहले से सूर्यकुंड रानीताल योजना से जुड़ रखा है, अगर उस पर पानी ठीक तरह से हमको नियमित तौर पर नहीं दिया जाता तो हम आंदोलन करेंगे। देखना है सरकार यहाँ की पानी की समस्या को हल करती है अथवा ये सड़कों पर उतरते हैं, ये देखने की बात होगी। मैं वाचस्पति रयाल नरेंद्र नगर।